हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी जो लागू की है उससे आपका डेटा चला जाएगा, उससे आपकी प्राइवेसी में सेंध लग जाएगी। इन सब के बीच लोगों ने व्हाट्सएप के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए थे। लोग सिग्नल की तरफ रुक कर रहे थे और लोग टेलीग्राम की तरफ रुक कर रहे थे। टेलीग्राम के तो बल्कि आंकड़े भी निकल कर सामने आए थे। 24 घंटे के अंदर उसके जो यूजर्स थे वो 75 मिलियन से ज्यादा हो गए थे। तो कुल मिलाकर अब व्हाट्सएप को भी लगा कि भाई उसके जो कस्टमर्स हैं वो छिटक रहे हैं, उसके जो यूजर्स हैं वो उससे कहीं ना कहीं नाराज बताए जा रही हैं। हालांकि व्हाट्सएप ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि जितनी भी भ्रामक चीजें लोगों के बीच में फैलाई गई हैं उनको दूर किया जाएगा। और 8 फरवरी जो तारीख मुकर्रर की गई थी कि अगर 8 फरवरी तक आपने व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, इसको लेकर व्हाट्सएप ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और इस नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए 3 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया गया है, यानी कि अब 8 फरवरी आखिरी तारीख नहीं है बल्कि अब आखिरी तारीख अप्रैल में जाकर बैठेगी। और उसके बाद भी व्हाट्सएप पहले ये सारी चीजों को क्लैरिफाई करेगा, लोगों के बीच में जितनी भी अफवाहें फैली हुई हैं उनको दूर करेगा और उसके बाद ही इन नई पॉलिसीज को लागू करेगा। बता दें आपको, कुछ दिनों पहले ही व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसीज नए एग्रीमेंट्स को लोगों तक पहुंचाया है और यह कहा जा रहा था कि अगर आप इसको अग्री नहीं करेंगे, अगर आप इससे सहमति नहीं करेंगे तो फिर आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। फिर कुछ इस तरह की खबरें आई कि अगर आप अग्री करते हैं और इसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर व्हाट्सएप के साथ साथ फेसबुक मैसेंजर और जितने भी व्हाट्सएप से लिंक आपके जो भी व्हाट्सएप पर आपका नंबर है उस नंबर से जितने भी आपके अकाउंट्स लिंक हैं उन सब का डेटा पब्लिक हो जाएगा। कहा तो यह भी जाने लगा था कि आपकी व्हाट्सएप की डीपी तक नहीं बचेगी, वो भी गूगल पर आ जाएगी। तो जाहिर तौर पर प्राइवेसी सबकी जरूरी है और यही वजह है कि लोगों में बहुत सारी चीजों को लेकर डर बैठ गया और लोग विकल्प तलाशने लगे। कई ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ये कहा कि व्हाट्सएप को छोड़िए और आप सिग्नल पर आ जाइए, टेलीग्राम पर आ जाइए, वो बहुत ज्यादा सेफ है। और व्हाट्सएप ने इन सब चीजों को देखते हुए ये योजना बनाई है कि अब इसको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, यानी कि 8 फरवरी आखिरी तारीख नहीं है। इससे पहले व्हाट्सएप ने ये कहा था कि उसका जो नया अपडेट है वो फेसबुक के साथ आपको उसका डेटा शेयर करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप का डेटा व्हाट्सएप तक ही रहेगा। तो शुरुआत से ही व्हाट्सएप क्लैरिफाई जरूर कर रहा है अपनी नई पॉलिसीज को, लेकिन लोगों के मन में, यूजर्स के मन में एक डर है और वो डर जस का तस बना हुआ है। यही वजह है कि लोग विकल्प तलाश रहे हैं। इन सबके बीच व्हाट्सएप ने भी अब 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। देखना होगा 3 महीने बाद इन पॉलिसीज को फिर किस तरीके से व्हाट्सएप यूजर्स के बीच में लागू करता है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।